बेटाओ, हम लास्ट क्लास में अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड्स क्या है और सारी चीजें, स्टेट्स का इंट्रोडक्शन। इसके बाद में अब क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे थे। अब इसमें हम इनको डिटेल में आगे बढ़ाते हैं। एमॉर्फस सॉलिड जो नाम पड़ा इन सॉलिड्स का, वो नाम एक ग्रीक वर्ड ग्रीक वर्ड है आपका होमोर्फिक। अगर हम आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो इसको एक और तरीके से लिखा गया है और वो है एमोरफोस। ये दो वर्ड हैं ग्रीक के। इसका मतलब होता है मींस नो फॉर्म, जिसमें कोई फिक्स फॉर्म नहीं है, एक फिक्स ऑर्डर नहीं है, नो फॉर्म, और आप यूक्रेन से जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। तो एमोरफस सॉलिड इस वर्ड से ड्राइव किया गया है, ग्रीक वर्ड एमोरफोस से। इसलिए हम इनको, इन सॉलिड्स को एमोरफस सॉलिड्स बोलते हैं। और अब हम इसकी, अगर हम आपके डेफिनेशन दें तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हो। हम इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, आप सब लोग मेरे साथ इसको नोट कर सकते हो। तो आप क्या कहोगे बेटा, हम इसको लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से इसको लिखते हैं। ए द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसा मैं आपसे कह चुका हूँ, वो एटम्स, मॉलिक्यूल, साइंस कुछ भी हो सकते हैं। इज नॉट रेगुलर और मे बी शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इस शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? इस शॉर्ट एंड ऑर्डर का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत ऑर्डर इनमें मिल सकता है, लेकिन उन ऑर्डर जो है आपके, जो कुछ जगह पर है भी, तो उनके बीच में वापस फिर इरेगुलरिटी होगी। ओके बेटा, मतलब उनमें प्रॉपर ऑर्डर नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया बेटा? यस या आप ये कह सकते हो इसमें कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड पार्ट आर स्कैटर्ड, ये फैले होते हैं एंड इन बिटवीन, और इनके बीच में अरेंजमेंट इज इरेगुलर। इनके बीच में अरेंजमेंट जो होता है वो रेगुलर नहीं होता। अगर आप अपनी एनसीईआरटी को देखो तो बेटा, वो एनसीईआरटी में हम ग्लास या क्वार्ट्ज ग्लास की बात कर रहे हैं, तो वो उसमें एक इरेगुलर पैटर्न है, उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, एटम साइंस या मॉलिक्यूल से उनका एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं। ओके बेटा, हो तो हम उसे एमोरफस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, क्या बोलते हैं उनको हम? एमोरफस सॉलिड्स। कितनी पिक्चर क्लियर होगी बेटा? यस सर। वेरी गुड। आप चाहो तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, और उस एग्जाम्पल में आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखो। ग्लास, एक ग्लास में होता है क्वार्ट्ज ग्लास, आपने रबर का नाम सुना होगा, प्लास्टिक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बोलो बेटा, सुना है कि नहीं सुना है?
ये सब वो एग्जाम्पल्स है, वो आपके सब्सटेंस है जो एमोर्फस होते हैं। ओके बेटा हो? यस सर। इनकी डेफिनेशन क्लियर हो गई? यस सर। वेरी गुड। और अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सबस्टेंसेस की, तो क्रिस्टलाइन सबस्टेंसेस क्या होंगे? इनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो रेगुलर होगा, एक लॉन्ग रेंज होगा, और एक फिक्स गैप के बाद में वो ऑर्डर्स हैं वो रिपीट हो रहे होंगे पूरे क्रिस्टल में, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पर डिफाइन करूँ, तो मैं इसको यहीं पर डिफाइन करता हूँ। देखो आप डेफिनेशन हम इस तरह से लिखते हैं कि ऑलमोस्ट उसमें डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो आगे है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होंगे बेटा? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं, अगर हम इनमें बात करें तो आप डेफिनेशन देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इज रेगुलर, और नॉट ओनली रेगुलर, इट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो हम इसमें आप लिखेंगे द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, थोड़ा सा आप स्पेलिंग्स पे ध्यान देना, राइटिंग थोड़ा सा क्या है स्टेप पर पेन प्रॉपर फिसलता है, राइटिंग मेरी कंट्रोल में से बाहर निकल जाती है। द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर होता है, या आप ये कह सकते हो कि दैट इज पार्टिकल्स रिपीट्स इटसेल्फ पीरियोडिकली, दैट इज ए फिक्स पैटर्न, एक फिक्स डिफरेंस के बाद ओवर द एंटायर क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल में, मतलब पूरे सॉलिड में जहां तक वो आपका है, पूरे में एक प्रॉपर ऑर्डर में एक प्रॉपर डिफरेंस के बाद पीरियोडिकली वो रिपीट होते रहते हैं। एक ऑर्डर है वो आपका फिक्स होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होते हैं, ऐसे सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अगर हम एग्जाम्पल्स में बात करें बेटा हो, तो इनके एग्जाम्पल्स में मोस्ट ऑफ द मेटल्स आती हैं। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लिखना चाहूंगा आपके सामने, क्वार्ट्ज, जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको, क्वार्ट्ज ग्लास इज अ डिफरेंट थिंग एंड क्वार्ट्ज है वो क्रिस्टलाइन है वो अलग है। और ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन भी है, एक प्रॉपर रेगुलर पैटर्न में होता है जब उसके मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स, अगर उसको केमिकली देखो तो दोनों सेम है, दोनों आपके एटम साइन जिनसे मिलके बना हुआ है क्वार्ट्ज, उनसे मिलके बना होता है क्वार्ट्ज ग्लास, सिर्फ अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम इन्हें एमोर्फस ऑफ क्रिस्टलाइन कह रहे हैं। ये बात दिमाग में पिक्चर सेट कर लेना, मतलब एमोर्फस और क्रिस्टलाइन दो अलग अलग सबस्टेंस नहीं है, एक ही मैटर की अलग अलग स्टेट है सॉलिड की, पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने उसे डिवाइड किया हुआ है। और मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो आपके इसी पार्ट में होते हैं, मोस्टली जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली आयनिक, जैसे NaCl, मतलब सॉलिड में जब होता आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मोस्टली एक रेगुलर पैटर्न में ही होते हैं, इनमें इनका अरेंजमेंट पार्टिकल्स का एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है, इसलिए मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। ओके बेटा हो? तो इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जांपल्स हमने देख लिए, लेकिन अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज के थ्रू, और उन प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या लेके चलेंगे आप देख के चलना मेरे साथ साथ। बेटा लिख लिया, इरेज कर दो इस पार्ट को। यस सर। वेरी गुड। तो अब मैं यहाँ पर वही पार्ट लेके चल रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप नोट कर रहा हूँ। आप हेडिंग लिख दीजिए कंपैरिजन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स।
ओके बेटाओ, आप थोड़ा सा मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ, रेस करतू या नहीं करतू। चलो देखो, बेटा नोट कर लिया, जल्दी से करो। अब इरेज कर दूं, ओके बेटा। चलो अब लिखो वापस, हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं और वो है कंपैरिजन की बिटवीन एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हम इनके कंपैरिजन की बात करते हैं तो इनके कंपैरिजन में सबसे पहला पॉइंट हम लेके चल रहे हैं बेटा, वो अरेंजमेंट का ही लेके चल रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो ये डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं कि एमोर्फस में क्या होता है बेटा, इरेगुलर, और क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड, दैट इज रेगुलर। ओके बेटा, ये हम पढ़ चुके हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का कंपेरिजन। इसके अलावा हम इसमें एक बात और कह सकते थे और वो पार्ट ये है कि अगर हम इनके शेप की बात करें प्रॉपर पैटर्न में, तो शेप के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कंपैरिजन। और वो क्या है कंपैरिजन, कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव और हैज, ठीक है, तो सॉलिड्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। एक इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो इनके कैरेक्टर को डिफाइन करती है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ओके बेटा, हो जबकि एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड्स डज नॉट हैव अ रेगुलर शेप, डोंट हैव रेगुलर शेप, इनकी शेप कोई रेगुलर नहीं होती, फिक्स नहीं होती। अगर हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी कंपेयर करें इन दोनों को, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो थर्ड प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं इनके क्लीवेज की। आप क्लीवेज प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, इनके टूटने की प्रॉपर्टी। अब इनके क्लीवेज को आप एक तरफ छोड़िए, आप ये सोचिए कि अगर मैं इन दोनों सॉलिड्स को, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस दोनों को, मैं एक नाइफ से, एक शार्प नाइफ से मैंने कट करता हूं, ओके बेटा, तो इनको जब आप कट करोगे तो आप इसमें क्या देखोगे, आप देखोगे कि ये यहां पर एक स्मूथ और प्लेन सरफेस में कट हो जाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके बेटा, हो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किस में कट होंगे, वेरी गुड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लीव्ड इन स्मूथ एंड प्लेन सर्फेसेस। जब क्लीव होते हैं तो इनके सर्फेसेस कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं और प्लेन होते हैं, जबकि एमोर्फस जो सॉलिड्स होते हैं दीज आर क्लीव्ड इन इरेगुलर एंड रफ सर्फेसेस। इनके सरफेस रफ होते हैं, या अगर एक नाइफ से आप इन्हें काटो, जैसे प्लास्टिक को आप काट के देखोगे तो वो रफ होगा सरफेस। ओके बेटा, कितनी बात क्लियर हो रही है आपको? यस सर, वेरी गुड।
अब इसके आगे की अगली प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें समझना बहुत जरूरी है, वो आप लोगों को स्पेशली यहाँ पे ध्यान देना है। तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ अगली प्रॉपर्टीज को, इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर दूं? यस सर। वेरी गुड। यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आइसोट्रॉपी। अब इसका मतलब क्या होता है आइसोट्रॉपी का, वो आपको यहाँ पे समझना है। मेरे बेटा हो, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, इस टॉपिक का मतलब क्या है। इफ द वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, आप कोई भी ले सकते हो, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, इफ द वैल्यूज ऑफ अ लगा दो आप, अ फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम ऑन मेजरिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। Then this property of matter is called isotropy, and the substance जिसमें property है is called isotropic। तो पहले तो आइसोट्रॉपी की डेफिनेशन देखिए आप। मेरा कहने का मतलब यह बेटा हो कि अगर आप एक मैटर लें और इस मैटर में सपोज कीजिए आप नाप रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज करने में कुछ नहीं है, एक मैटर में हम नाप रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट की आपने इस डायरेक्शन से, ओके बेटा हो, एक आपने लाइट इंसिडेंट की है वो आपने की है इस डायरेक्शन से, और एक आपने लाइट इंसिडेंट की है वो आपके इस डायरेक्शन से, और आप देखते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप मेजर करो इन तीनों का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपका, आपने कोई भी एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है, मान लो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका अगर बराबर आ रहा है हर डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सबस्टेंस है अगर ऐसा है ये फिट इंडेक्स से बराबर आ रहे हैं, देन तो मैं कह सकता हूं कि जो ए सबस्टेंस है वो कैसा है, सबस्टेंस ए इज आइसोट्रॉपिक। अब बेटा वो कैसा है सबस्टेंस, आइसोट्रॉपिक है, इज दैट क्लियर। हाँ, तो ये आइसोट्रॉपिक है, मतलब ये प्रॉपर्टी है इसमें ये आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये तो रहा इसका मतलब, मैंने तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स लिया, आप कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ले सकते हो, थर्मल कंडक्टेंस ले सकते हो, आप कोई भी प्रॉपर्टी कंपेयर कर सकते हो, इज दैट क्लियर बेटा। यस सर। वेरी गुड। पर कोई भी प्रॉपर्टी जो आप मेजर कर रहे हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड, अगर उसकी वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम आ रही है, तो फिर वो आइसोट्रॉपिक है सबस्टेंस, इस प्रॉपर्टी को आइसोट्रॉपी बोलते हैं। बट मैं यहाँ पे एक बार लिख दूं, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं कह रहा हूँ कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब है, मैं वो लिख देता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ एग्जांपल आप दे सकते हो, लाइक आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले सकते हो, जैसे आप लोग जानते हो जो आपके जो चश्मा जो हम बनाते हैं जिसमें लेंस लगे होते हैं वो ग्लास का बना होता है, ग्लास एमोर्फस होता है, इसीलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर समय हर डायरेक्शन में सेम रहता है, इसीलिए हमें ग्लास या उसका जो लेंस हम यूज करते हैं उस समय प्रॉब्लम नहीं होती। अगर बेटा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता तो आप समझ सकते हो अलग अलग डायरेक्शन से हमारे रेटिना पर इमेज जो है वो कहीं बनती कहीं नहीं बनती, तो हमें अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग चश्मा बनाना पड़ता है ना बेटा। Yes, sir. तो आप लोग इस तरह से ध्यान रखें, कोफिशिएंट
ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन आपने फिजिक्स में बल्क प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, तो थर्मल एक्सपेंशन अगर हर डायरेक्शन में सेम हो रहा है तो वो आइसोट्रॉपिक है, अगर अलग अलग हो रहा है तो एनिसोट्रॉपिक है। इसके अलावा कोई भी फील्ड प्रॉपर्टी में आप इलेक्ट्रिकल, इवन थर्मल, थर्मल कंडक्टेंस भी यूज कर सकते हो। पर कौन सी फील्ड प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, पर कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर आप सिलेक्ट करके उसको आप मेजर करते हो अलग अलग डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू निकालते हो, अगर हर डायरेक्शन में वैल्यू, हाँ बेटा यहाँ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात हो रही है, आप अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का बोलते हो तो आप उसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मेंशन करते हो क्या बेटा? कशिश, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक पर्टिकुलर ग्लास आपको दिया हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है, ऐसा पढ़ा आपने? बेटा कशिश, आप जो चश्मा पहनते हो उस चश्मे का अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आता है क्या? बेटा कशिश, नो। तो बेटा आपने मैसेज करके मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, मैं आपके क्वेश्चन का मतलब नहीं समझा इसलिए आपसे पूछा मैंने। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी आप सिलेक्ट कर सकते हो बट उस प्रॉपर्टी की वैल्यूज अलग अलग डायरेक्शंस में मेजर करनी है, अगर वो वैल्यू सेम आ रही है तो हम उस सब्सटेंस को आइसोट्रॉपिक कहेंगे, और अगर वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रही हैं तो इसका अपोजिट उसको बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं बेटा? एनआइसोट्रॉपिक। अभी मैंने ग्लास का एग्जाम्पल दे के आपको लेंस का समझाया, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लास हमने एग्जाम्पल्स में लिखा था अभी एमोर्फस में, तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि एमोर्फस जो सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से, पार्टिकल्स अरेंजमेंट फिक्स है, इससे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पार्टिकल्स कॉन्टेक्ट में आएंगे, इसलिए वहां पर प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। दैट इज क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। इसका उल्टा कर दीजिए, कितनी पिक्चर क्लियर होगी बेटा? तो अभी तो हमने पढ़ा आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं, आइसोट्रॉपी क्या होती है, एनाइसोट्रॉपी क्या होती है, लेकिन अब हम पढ़ते हैं दोनों का कंपैरिजन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एमोर्फस सॉलिड्स आर, अब कंपैरिजन में दोनों सॉलिड्स की हम बात करते हैं, amorphous solids are isotropic and crystalline solids are anisotropic. अब anisotropy का मतलब आप लिख सकते हो बेटा, वो define कर सकते हो anisotropy को, इसका opposite हो गया ना, डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रॉपर्टीज डिफरेंट आए, तो इस प्रॉपर्टी को एनाइसोट्रॉपी, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से हर डायरेक्शन में पार्टिकल्स अलग अलग मिलते हैं, इसीलिए क्या अलग अलग अरेंजमेंट मिलेगा, तो उस केस में क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होंगे, एनाइसोट्रॉपिक। इज दैट क्लियर? यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो अगली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें। यस गुड। अगली प्रॉपर्टी हमें स्टडी करने जा रहे हैं बेटा, वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम पहले एक बात लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट में यह है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दीज हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट।
इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है, ठीक है ना, और एमोरफस सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। कोई बताना अभी कोई बताना चाहेगा शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? बोलो बेटा, वो शार्प में हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं बेटा, बोलो कोई और ट्राई करो। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कोई बताना चाहेगा? ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट को समझने के लिए नहीं बेटा, पर्टिकुलर नहीं, पर्टिकुलर तो एक फिक्स वैल्यू है वो तो सबके लिए होती है। मेल्टिंग पॉइंट हर सब्सटेंस का कांस्टेंट होता है। नो बेटा, वेरी हाई भी नहीं होता। शार्प का मतलब, इस शार्प के मतलब को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक एक्स्ट्रा स्टडी हम लेके चलते हैं, और वो एक्स्ट्रा स्टडी है वो हम लेके चल रहे हैं बेटा कूलिंग कर्व्स। मैं कूलिंग कर्व ड्रॉ करता हूँ आपको। सर एक कूलिंग कर्व क्या है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने किसी क्रिस्टलाइन या एमोरफस कोई भी सॉलिड है, हाँ चलो बेटा हम इसको बात करते हैं, मैं किसी भी सॉलिड को, किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है या एमोरफस है, इससे मतलब नहीं हमारा, हमने लिया कोई सॉलिड और सॉलिड को इतना गर्म किया कि हमने उसे मेल्ट कर दिया, वो लिक्विड स्टेट में, और जब वो लिक्विड स्टेट में होगा मेरे बेटा हो तो उस समय यू ऑल नो वेरी वेल कि आपने हाई टेम्परेचर पर ही उसको मेल्ट किया होगा, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन कर देता हूँ, एक वेरी हाई टेम्परेचर, ये मैं यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन कर रहा हूँ, आप कूलिंग कर्व को समझें एक बार। और मैं यहाँ पर टाइम देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ, ओके बेटा हो। तो मैंने अभी जो लिया है, मैंने क्या लिया है बेटा, मैंने लिक्विड स्टेट ली है किसी भी सब्सटेंस की, लिक्विड है, लिक्विड स्टेट है, दैट इज लिक्विड, आप इसको मोल्टन स्टेट भी कह सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिक्विड या मोल्टन स्टेट, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी जो सॉलिड था उसको आपने मेल्ट कर लिया है, लिक्विड स्टेट में आप ले आए हो गर्म करके। अब आप क्या हुआ, टाइम के साथ में आपने उसे छोड़ दिया तो धीरे धीरे उसमें से हीट जो है वो एटमोसफियर में ट्रांसफर होगी, लॉस होगी, और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। तो हम इसमें दो तरह के कर्व देखते हैं, एक कर्व में देखते हैं टाइम बढ़ने के साथ साथ लगातार टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है, एक कर्व आपको इस टाइप से मिलेगा, ओके बेटा हो। और एक सब्सटेंस में आपको जो कर्व मिलेगा वो कैसे मिल सकता है, वो ऐसे मिल सकता है कि ये तेजी से टेम्परेचर यहाँ पे कम हुआ है, फिर एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम मिलेगा रेंज टाइम की जहां पर टेम्परेचर नहीं गिर रहा होगा, इस टाइम पीरियड में जो आपने देखा यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा होगा लेकिन टाइम गुजर रहा होगा, टेम्परेचर वहीं पर होगा, और उसके बाद में फिर आप देखोगे कि फिर तेजी से फिर टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दो स्टेट मिलेंगी। आप इन स्टेट्स में मेरे बेटा हो, इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है इसको आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये सॉलिड है, आप इस पार्ट को यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि अभी लिक्विड स्टेट है, और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये प्रॉपर सॉलिड स्टेट है। इसके बीच में जो ये पार्ट आपको दिखा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, आपका जो स्टेट लाइन दिख रही है, ये पार्ट में चल रहा है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन का मतलब है कि लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के पार्टिकल जो इरेगुलरली घूम रहे थे उनको लगातार मूवमेंट जीरो होते हुए एक रेगुलर शेप में डिपॉजिट हो रहे हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट में वो अरेंज हो रहे हैं जिसके लिए उसको टाइम लग रहा है, और एक सॉलिडिफिकेशन के द्वारा वो पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। और ये जो पार्ट मैंने बताया है सॉलिडिफिकेशन का, इस समय आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर सॉलिड लिक्विड का एक इक्विलिब्रियम है, जिसमें वो इक्विलिब्रियम अभी आपका जो है उसमें क्या है, नेट फॉरवर्ड में शिफ्ट हो रहा है या बैकवर्ड में शिफ्ट हो रहा है, पर किसी भी टाइम पर अगर आप इसको रोक दो, स्टॉप कर दो, तो आपको यहाँ पे सॉलिड लिक्विड दोनों को पाओगे, इस रेंज में सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट होंगी,
जिसमें सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, पर इसके बाहर पहले प्योर लिक्विड, इसके बाहर प्योर सॉलिड। लेकिन जब आप बात करोगे इस पहले वाले कर्म में, तो इस पहले वाले कर्म में यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक इसके बीच में पूरे में सॉलिडिफिकेशन चल रहा है। पूरे में सॉलिडिफिकेशन चलने का मतलब यह है कि आप कभी भी स्टडी करोगे, कहीं भी इसको आप रोक के देखोगे, तो इस पूरे में आपको हर रेंज पर सॉलिड और लिक्विड का एक अमाउंट मिलेगा, दैट इज सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम मिलेगा। ओके बेटा, हो तो यहां पर एक पर्टिकुलर ऐसा आपको टेम्परेचर मिलेगा जिस पर टेम्परेचर रिमेन रहेगा और टाइम गुजरता रहेगा, इसको बोलते हैं हम सात मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा वो? सात मेल्टिंग पॉइंट। तो एक कूलिंग कर्व क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए है जिसमें सात मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, मतलब अपने मेल्टिंग पॉइंट पर जिस समय सॉलिडिफाई हो रहा है, या जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट्स, भाई मेल्टिंग का उल्टा फ्रीजिंग हो गया अब ये, तो फ्रीजिंग पॉइंट पर ये यहाँ पर टाइम लेगा और उस टाइम पर टेम्परेचर में राइज नहीं होगा और कंप्लीटली जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर गर्म करोगे तो फिर टेम्परेचर में राइज होना शुरू हो जाएगा। ओके बेटा, हो सर। जबकि एमोरफस सॉलिड में पूरी रेंज में पूरा सबस्टेंस जो है वो आपका कहीं से भी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेटा प्लास्टिक को एक साइड से गर्म करो तो वो वहीं से सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी, वहीं से धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, बाकी इससे पे हीट पहुंचती जाएगी, जैसे जैसे आप गर्म करोगे वैसे वैसे मेल्ट होगी, अदरवाइज वो पार्ट एज इट इज बना रहेगा। जहां से गर्म करोगे वहीं से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, कोई फिक्स पार्ट नहीं है उसका। लेकिन अगर आपने एक आयरन का पीस लिया है तो पूरे पीस के एक एंड पर आप चाहे जितना गर्म कर लो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, पर रहेगा पूरा सॉलिड। और जिस समय वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा उस टाइम पर आप जब गर्म कर रहे होंगे तब टेम्परेचर राइज नहीं दिखेगा आपको, उस समय पूरा जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा लिक्विड का। तो एक टाइम आएगा जिस पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते टाइम पर, या अगर आप कूल कर रहे हो तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होते टाइम पर, एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, वहां पर वो या तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा गर्म करने पर, या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा ठंडा करने पर। इज दैट क्लियर बेटा? हो तो इस तरह का एक मेल्टिंग पॉइंट जहां पर ऐसा हो रहा है, इस मेल्टिंग पॉइंट को हम बोल देते हैं कि दीज हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। इस पर्टिकुलर पार्ट पर ही सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पर पूरी रेंज में सॉलिडिफिकेशन या लिक्विफिकेशन होगा। अगर गर्म करोगे तो इसका उल्टा कर्व होगा, वो लिक्विफिकेशन का आ जाएगा, अभी ठंडा कर रहे हैं तो सॉलिडिफिकेशन। पूरी रेंज में रहे, कहीं भी एक पर्टिकुलर आपको टाइम या फिक्स पॉइंट नहीं मिल रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज थी जो आपको डिफाइन करने वाली थी। बाकी हम एक बार एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको और देख लेते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टेबल से आप उसको स्टडी कर सकते हो। मैं आपको एनसीईआरटी की टेबल यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके बेटा, हो देखो आप, मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ। बोलो बेटा, इरेज कर दो। यस सर। वेरी गुड। देखो, देखो आपको एनसीईआरटी का मैंने एक पिक लिया हुआ है, आपको दिख गया होगा। और इस पिक में अगर आप देखो तो आपको अपना अपना शेप के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। यहाँ पर ये मैंने सारा पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आपको अब, ठीक है बेटा? हो कि शेप क्या होगी और मेल्टिंग पॉइंट अब बता दिया मैंने। शार्प एंड करेक्टरिस्टिक होता है क्रिस्टलाइन का, और एमोर्फस जो होते हैं ये आपके किसी भी पार्ट से सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं और किसी भी रेंज ऑफ टेम्परेचर पर धीमे धीमे, जैसे गर्म करोगे सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली लिक्विड में कन्वर्ट होना। क्लीवेज मैंने बता दिया आपको, आप इसको एक बार और रीड कर लें। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हीट ऑफ फ्यूजन इनमें बहुत ज्यादा होता है, और एक डेल्टा एच एफ कह सकते हैं इसको, डेल्टा एच एफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वो फिक्स होती है,
करेक्टरिस्टिक होती है ओके बेटा, जबकि इसमें फिक्स नहीं होती, क्योंकि जहां से आप गर्म करना शुरू करोगे वहीं से वो धीरे धीरे सॉफ्ट होना मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। एनिसोट्रॉपी में हम देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रॉपिक होते हैं और एमोरफस आइसोट्रॉपिक होते हैं। नेचर क्या है कि ट्रू सॉलिड्स हैं, ये स्यूडो सॉलिड्स हैं जिनको हमने सुपर कूल लिक्विड भी कहा, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज की लिक्विड से मैच करती हैं। और अरेंजमेंट में कहें तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड है। तो एनसीईआरटी वाला डिफरेंस भी क्लियर हो गया बेटा, एक कंपैरिजन टेबल। यस सर, वेरी गुड। तो इस तरह से हमने अब तक फिजिकल स्टेट्स, उनका इंट्रोडक्शन, सॉलिड स्टेट, उसके करेक्टर्स और सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस को पूरी तरह समझ लिया, पढ़ लिया। बाकी आप लोग इसकी स्टडी करें, कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, आप उन्हें सॉल्व करें, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग एमोरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की स्टडी के बाद में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिटेल में आगे बढ़ाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन एंड मेनी मोर थिंग्स ऑन क्रिस्टल्स हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।